राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में शुक्रवार को रंग बिरंगे फूलों से महिला संतों ने होली खेली। ब्रज के पारंपरिक होली गीतों के बीच जब महिला संतों पर फूल बरसाए गए तो हर कोई यह दृश्य देखने के लिए मंदिर में एकत्र हो गया। फूलों की होली का शुभारंभ मंदिर मठ की महान दिव्यागिरी के सानिध्य से पहले बाबा मनकामेश्वर व अन्य देवी देवताओं गुरुओं को गुलाल लगाया गया। उसके बाद महान दिव्यागिरी पर फूल बरसाए गए। होली गीतों की मस्ती में महिला संतों व अन्य भक्तों ने होली खेली। करीब 2 क्विंटल फूलों की होली खेली गई। मंदिर परिसर में फाग गायन और भजन कीर्तन के साथ फूलों की होली मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी। महंत दिव्यागिरी ने बताया कि होली में प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया गया है जो सेहत के लिए अच्छा है। देखिए, पहले तो ढेर सी शुभकामनाएं होली की। आप सभी लोगों को शुभ हो, और चूँकि अच्छाई का पर्व है ये, बुराई पे हम लोग विजय पाते हैं आज के दिन। और दहन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि प्रदोष काल में चूँकि पूर्णिमा तिथि लग रही है 6 तारीख को, और उसी तिथि में हम लोग दहन भी करते हैं, तो 6 तारीख को चूँकि 4:15 बजे पूर्णिमा लग जाएगी, तो 7 तारीख को सुबह में आप लोग दहन कर लें, उसके बाद में फिर रंग खेल सकते हैं। क्योंकि पिछले वर्ष भी यही हुआ था कि 1 दिन का गैप था, परंतु कोई इस बात को माना नहीं और तुरंत रंग खेलते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि जो त्यौहार है वो शुभ ही हो सबके लिए, तो थोड़ा सा अगर ये प्रिकॉशन अपनाएंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, थोड़ा सा बस कलर को ऐड करके, चूँकि कोरोना के बाद के जो इन्फेक्शन है वो पता तो नहीं चल रहे हैं, परंतु थोड़े थोड़े सब में रहते हैं, सर्दी जुखाम या आँख लाल होना, थोड़ा सा ये हैं 2 से 3 बीमारियाँ ऐसे वायरसल, तो रंग से अगर शुद्ध चूँकि मिलना मुश्किल होता है, और जो पारंपरिक तरीके होते थे गुलार और अमीर बुराने के, वो थोड़े से अभी अलग हैं, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड है, इसलिए फूल से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए हम लोग फूल से खेलते हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।